हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले कि जो ये रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी बोर्ड का वेबसाइट है, इस पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट फॉर स्कूल ऑफ स्टडीज़ का। इस पर हम लोग आज देखें कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन कौन से इसका हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको यूनिवर्सिटी जाके अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन पेमेंट करके वहाँ से जाके अपना तुरंत जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले क्लिक कर लेते हैं, क्लिकने के बाद जैसे यहाँ ये एक यहाँ पे विंडो ओपन हो गया है, इस पे शो हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे न्यू पेमेंट और एक अपडेट रिसिप्ट रिगार्डिंग डिपार्टमेंट। तो अगर आपने पहले पेमेंट कर चुका है और उसका आपको रिसिप्ट लेना है या किसी प्रकार का उस पर अपडेट देखना है तो आप नीचे वाली से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने पेमेंट किया हुआ तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिला होगा, उस ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था उसका इनपुट कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। तो फिलहाल हम लोग न्यू पेमेंट पर पे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। अब यहाँ पर लिखा है OTP सेंड टू रजिस्टर्ड नंबर, प्लीज़ वेट फॉर 4 डिजिट OTP। ओके, जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया है उस पर एक OTP जाएगा, जो अपना OTP एंटर कर लेते हैं। ओके सबमिट। सो यहाँ पे शो हो रहा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर मोबाइल नंबर। ओके, सो यहाँ पे आप जो भी आपका नाम है या आप किस जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका स्टूडेंट का यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है सेलेक्ट पेमेंट टाइप करके। तो सेलेक्ट पेमेंट टाइप में और कृपया नीचे दिए गए शुल्क का प्रकार चयन करें और भुगतान की राशि। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एडिशनल फ़ी, एडमिशन फ़ी, एमलगेमेटेड फ़ी हॉस्टल, एमलगेमेटेड फ़ी UTD, सेंटर फ़ी, चार्जेस ऑफ लॉस्ट बुक, छात्र सभा संघ फ़ी, डुप्लीकेट आईडी कार्ड, नो ड्यू फाइन, एलिजिबिलिटी फ़ी। तो ये एलिजिबिलिटी फ़ी का भी बहुत डिमांड किया जा रहा था कॉलेजेस में उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गैप किया है बीच में अपने बैचलर डिग्री के या मास्टर डिग्री है और उनको अब कंटिन्यू करना है अपना जो आगे का जो भी है अपना सेमेस्टर या ईयर है, तो उनके लिए ये कॉलेजेस द्वारा इनका रिक्वायरमेंट होता था। तो आप यहाँ पे जैसे हम इसी को देख लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी फ़ी पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको इंटर एलिजिबिलिटी फ़ी पे यहाँ पे एक चेक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसका आपको कितना चार्ज देना है ये आपको यूनिवर्सिटी से या फिर अपने कॉलेज से पता लग जाएगा कि एलिजिबिलिटी फ़ी के लिए कितना फ़ी चार्ज करती है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो जैसे मैंने पता किया था इसका एटलीस्ट 350 अराउंड समथिंग फ़ी इसका चार्ज करती है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमको स्टूडेंट नेम एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो समझिए हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो हमने इसको टिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम फिर भी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। ओके सो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या। यहाँ पे आपको उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उसके बाद अपना फादर नेम को फादर नेम है एंटर कर दीजिए, रोल नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, ये सब नेसेसरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं चाहे तो ज़रूरत नहीं है। ईमेल, डिपार्टमेंट, ओके। सो डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो एलिजिबिलिटी फ़ी जो है ये एकेडमिक डिपार्टमेंट से मिलता है, तो यहाँ पे आप एकेडमिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी जो फ़ी है दूसरे यहाँ पे फ़ी के ऑप्शन है ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट यहाँ से चूज़ कर लेंगे जिस चीज़ का भी फ़ी आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एकेडमिक कर लेते हम। एकेडमिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स करना है। अगर जिस भी कोर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी फ़ी चाहिए, जैसे आपको MA के लिए चाहिए या फिर BSc, BEd, BA किसी भी चीज़ के लिए जो आपको चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ओके, सेमेस्टर आपको जैसे सेकेंड सेमेस्टर के लिए चाहिए तो यहाँ पे सेकेंड कर लीजिए। ओके, मेक पेमेंट ऑफ 350 यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन ये ओपन हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पहले ही एक नोटिस दिया गया है कि कन्वीनियंस चार्ज ऑफ 20 रुपीज़ हैव बीन एडेड ऑन टोटल अमाउंट। ओके, सो ये जो कन्वीनियंस फी आपको चार्ज किया जाएगा जो टोटल अमाउंट होगा उस पर एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ का जो आपको, जैसे यहाँ पे 350 हमने एंटर किया था फी के लिए, तो उस पर 350 प्लस 20 370 अराउंड आपके बैंक अकाउंट से कटेगी। तो यहाँ पे हमको जैसे हमने पहले भी एक पेमेंट किया था यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप अपना तीनों ऑप्शन दिया गया, चाहे तो आप ATM या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से करना चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैंक अवेलेबल हैं। UPI से करना चाहे तो डेबिट कार्ड चाहे नेट बैंकिंग से करें, क्योंकि
यूपीआई से क्या होता है, बहुत टाइम आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे शो होने में टाइम लग जाता है, या फिर कभी कभार पेमेंट 4-5 दिन तक स्टक होता है, उसके बाद वो फेल्ड हो जाता है और आपको फिर से परेशानी होगी, आपको फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा। तो आप प्रेफरेबली नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का यूज़ कीजिए। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे कोई बैंक सेलेक्ट करके आपको मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट करने के बाद क्या है, आपको ये जो साइट है आपको बैंक के अपने साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। बैंक के साइट पे रिडायरेक्ट करने के बाद आपको जो पेमेंट डिटेल्स है वो वहाँ पे एंटर कीजिएगा। पेमेंट डिटेल्स एंटर करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिसिप्ट जनरेट कर दिया जाएगा। उस रिसिप्ट को PDF में सेव कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए, और उस रिसिप्ट को जाके यूनिवर्सिटी में रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी फीस आपने सबमिट किया है, या भी उसके जिस भी चीज़ के लिए आपने फीस सबमिट किया है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको दे दिया जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।